हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैच किंग में। दोस्तों, आपको पता है कि एनटीएससी सीरीज हमारी यूट्यूब चैनल पे खत्म हो चुकी है। अब हम फिर से चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल। ये दोस्तों क्लास सिक्स सेवन से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बच्चों को क्या है, घबराहट सी रहती है बहुत ही कि इसमें क्या समझ में नहीं आता है। लेकिन हम इस वीडियो में लास्ट तक पूरा कंसेप्ट आपको समझाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि SSS कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, और ये सारी SS के साइड एंगल साइड क्या कॉन्ग्रुएंसी कैसी कैसी होती है, और RHS के क्या वो होते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगले वीडियो में हम थोड़े एग्जाम्पल भी ला देंगे। अभी इसमें सिर्फ कंसेप्ट और कंसेप्ट ही सीखेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए टाइटल क्या है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल यानी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से हम ये समझ सकते हैं कि जब कोई दो ट्राइंगल्स हो, है ना, या दो फिगर हो, कोई से भी स्क्वायर या रेक्टेंगल, कोई भी सर्कल, तो वो क्या होना चाहिए। और जैसे ये है ट्राइंगल है, इसको अगर मैं इसको इसके ऊपर ले जाऊं, तो देखिए दोस्तों ये पूरा इस पे बिल्कुल एक भी कोना नहीं निकल रहा है, इसमें बिल्कुल फिक्स बैठ गया है। तो इसे ही हम कॉन्ग्रेंसी कहते हैं, इसे ही कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल कहेंगे। तो ये ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंस है। अब दोस्तों लेकिन हमारे साइंटिस्ट जो थे उनने एक चीज निकाली जिससे और आसान हो गया कि किसी ट्राइंगल का कॉन्ग्रेंसी फाइंड कैसे करें। मतलब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल में अपन को तीन चीजें मिल जाए, साइड एंगल साइड या साइड साइड साइड, तो उससे हमें पता लग सकता है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंस हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये चारों अपने बाबू दिए, इसी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है SSS, ट्रिपल एस। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ठीक है, अब क्या है, एक और ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक और ट्राइंगल बना दिया है। हाँ, तो इसमें आप देख ही सकते हैं कि दो ट्राइंगल बन चुके हैं। सबसे पहले देखिए SSS, SS मतलब क्या होता है, साइड साइड साइड, मतलब तीन बार साइड। इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जब तीनों साइड बराबर हो किसी दो ट्राइंगल की, ठीक है, दो ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर हो, यानी ये वाली जो साइड है वो इस साइड से मैच करती हो, ये वाली साइड जो है वो इस साइड से मैच करती हो, और ये वाली साइड इस साइड से मैच करती हो, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके हम एग्जांपल्स अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए हम नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आपको SSS तो समझ में आ गया होगा, और इसके आप नोट्स बना लीजिए कि SSS मतलब क्या होता है, साइड साइड साइड, यानी अगर किसी दो ट्राइंगल्स की जो साइड बराबर है एक एक करके, ठीक है, एक एक करके मैच करिएगा ना, तो कभी भी गलत हो सकता है। तो जब हमें एक एक करके वो साइड बराबर मिल जाए तो हम मान लेते हैं कि वो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है। तो चलिए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास है SAS। SAS का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि साइड साइड एंगल एंड साइड, ठीक है, इसका मतलब भी आप समझ ही गए होंगे कि जब दो साइड बराबर हो और उनके बीच में एक एंगल बराबर हो, तो हमें समझ जाना है कि वो क्या होगा, दोनों ट्राइंगल प्रूव हो जाएंगे कॉन्ग्रेंस। तो सबसे पहले तो हम दो ट्राइंगल बनाते हैं आपके सामने। ठीक है, बना लिया है, अब एक और ट्राइंगल बनाएंगे, एक और ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, अब क्या है कि जैसे ये साइड हमें पता चल गई कि ये साइड जो है वो दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है, और ये जो साइड है वो भी बराबर है। ठीक है, तो ये जो साइड है, ये दोनों ये साइड है, सॉरी मेरे से गलती हुई थोड़ी सी कि, ठीक है, तो ये जो साइड है और ये जो साइड है ये बराबर है। अब हमको ये दोनों साइड पता चली हैं, अब इनके क्या करेंगे, इनके बीच में जो एक एंगल है ये वाला, ये दोनों भी हमें गिवन है कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो ये वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है, वन और टू, तो ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंस हैं। क्या है, ये कॉन्ग्रुएंस हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो है इसका मतलब समझ लेना है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जब दो ट्राइंगल की ऐसा कोई फॉर्मूले से बराबर हो जाती है,
तो आपको समझ जाना है कि वो दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंस है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट पर, ठीक है। हाँ तो अब है हमारे पास एफ ए एफ ए, इसका मतलब भी आप समझ ही गए होंगे, एंगल एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से आप क्या समझ सकते हैं, एंगल एंगल साइड एंगल से सबसे पहले तो मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, मतलब ट्राइंगल बना लेता हूँ, सॉरी गलती हो रही है मुझसे, बहुत सॉरी उसके लिए। हाँ तो दो ट्राइंगल बन चुके हैं जो कि बहुत कॉन्ग्रेंस ही हैं। तो एक काम करते हैं, क्या बोला गया है, एंगल साइड एंगल, इससे समझ ही आ रहा है कि दो एंगल हैं, क्या है, दो एंगल हैं किसी एक साइड के आसपास एडजेसेंट, ठीक है। दो एंगल अपन ने ये बना लिए, ठीक है, चाहे आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने दो एंगल इधर बना लिए, लेकिन अब क्या है, साइड को इनके बीच में ही होना चाहिए, इनके बिटवीन में ही होना चाहिए साइड को। तो क्या हो जाएगा, एक तो ये एंगल हो जाएगा और ये एंगल और ये साइड। अब क्या करना है, दूसरे जो दूसरे ट्राइंगल को भी उन्होंने गिवन करा होगा कि ये जो एंगल है और ये जो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा, और ये भी गिवन होगा कि ये जो साइड है वो इस साइड के बराबर होगा। तो हमें इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस क्या है, वो कॉन्ग्रुएंस है, ओके। तो आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट जो टॉपिक है वो है आर एच एस। दोस्तों इसमें अपन हमने पढ़ा है तो एक दो चैप्टर पहले भी कि हाइपोटेनस क्या होता है। हाइपोटेनस आपको शायद पता ही हो, हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है। और पाइथागोरस थ्योरम भी आपको शायद पता ही हो, पाइथागोरस थ्योरम है ना, शायद आपको पता हो। नहीं पता हो तो हमने एक वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और तो मैं आपको बता दूँ हाइपोटेनस होता क्या है। हाइपोटेनस जो सबसे लंबी साइड होती है ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जो है यहाँ पे रहता है, ठीक है, ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें क्या है, राइट एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब 90 डिग्री कुछ सामने साइड बन रही है, अपोजिट साइड, वही होती है अपनी हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। और ये लंबी साइड भी होती है हाइपोटेनस, सबसे ट्राइंगल में जो है सबसे लंबी साइड होती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, आर एच एस, राइट हाइपोटेनस साइड। सबसे पहले तो इसमें क्या देखना पड़ेगा अपन को, एक तो 90 डिग्री बनना चाहिए, जो कि यहाँ पे बनता है, जो कि यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हाइपोटेनस होना चाहिए, एक हाइपोटेनस होना चाहिए जो कि बनना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक साइड, ये वाली साइड हो सकती है या ये वाली साइड हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मैं एक और बार बता देता हूँ, सॉरी, अब एक इसको यहाँ पर रख लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मिनट में जरा इसे रफ करता हूँ। रफ करने का काम, ठीक है। हाँ तो क्या कह रहा है, देखिए, राइट हाइपोटेनस ट्राइंगल। तो आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है 90 डिग्री। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आप समझ ही गए होंगे, और साइड का मतलब भी आप समझ ही गए होंगे, साइड, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक 90 एंगल, 90 डिग्री का एक एंगल होना चाहिए, तो हमें ये गिवन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल गिवन है। उसके बाद क्या होना चाहिए, एक हाइपोटेनस होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए हाइपोटेनस, ठीक है, ये बराबर ये। उसके बाद आखिरी साइड ये हो सकती है या ये हो सकती है, कोई भी इन दोनों में से कोई भी साइड हो सकती है। तो मान लेते हैं इस साइड को, ये साइड जो है वो इस साइड से बराबर है, तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं, बराबर हैं एक दूसरे के, कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। तो आर एच एस का आप मतलब समझ ही गए होंगे कि राइट हाइपोटेनस साइड, इससे आप कॉन्ग्रुएंसी का पता लगा सकते हैं। और दोस्तों अब ये वीडियो खत्म हो चुकी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। और प्लीज़ दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले। धन्यवाद।